बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे आगे आने वाले दिनों में कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और इसी के साथ किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मध्य महाराष्ट्र में आज को जगह हो सकती है भारी से भारी बरसात, तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी दो दिन भारी बारिश का अनुमान। दो दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार, तो आज मध्य भारत में भी गरज के साथ तेज हवाएं संभव। दो दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में हालात रहेंगे प्रतिकूल, मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। कल उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। दो दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। आज बिहार के कुछ इलाकों में भारी बरसात होने के आसार। दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश संभव। दो दिन असम और मेघालय में कुछ जगह हो सकती है भारी बारिश। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान। आज उड़ीसा में भी कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावना। दो दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद। मध्य महाराष्ट्र में आज कुछ जगह हो सकती है भारी से भारी बरसात। दो दिन कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, दो दिन तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश संभव। दो दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। कल हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ पड़ सकती है बौछारें। दो दिन पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। तो जानिए आपने मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं अगर अब आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह हुई बरसात। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी बरसे बादल। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गांगे, पश्चिम बंगाल में कई जगह हुई बारिश। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह हुई बारिश। अरुणाचल, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बरसे बादल। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी बरसात दर्ज की गई। मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में हुई बारिश। कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। केरल, तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली और क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं हम तापमान के हाल की। और सबसे पहले आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा अधिकतम तापमान का हाल। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण और गोवा समेत गुजरात में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की गिरावट आई। देश में सबसे ज्यादा तापमान पूर्वी राजस्थान के पिलानी में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं अगर अब आपको बता देते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। उत्तराखंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम पारे में ऐसी ही बढ़त दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में ऐसी ही गिरावट आई। देश में सबसे कम पारा मराठवाड़ा के बीड़ में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने तापमान का हाल। बढ़ते हैं अगर अब आपको बता देते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के कौन कौन से क्षेत्रों में बादल बरस सकते हैं और कहां मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड में 2 दिन कई जगह बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में 2 दिन कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। ओडिशा में 2 दिन कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कई जगह बादल बरस सकते हैं। रुक करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहां अरुणाचल में 2 दिन कई जगह, जबकि असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। विदर्भ और मराठवाड़ा में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं, जबकि मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कई जगह बारिश हो सकती है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। कोंकण गोवा में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर तो यहाँ 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरल में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं रायलसीमा में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक में 2 दिन अधिकतर जगह, जबकि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज ज्यादातर इलाकों में तो कल कई जगह बारिश होने की उम्मीद है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर।